रुकूंगी कि आपको पता ही है कि आज ईद का दिन है, ठीक है। मेरे भाई भी साथ ही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं हम नमाज ईद उल फितर अदा करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक भाईजान, कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत हैं? ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं आज। अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत मौसम कर दिया भाई कि सुबह सुबह नहाते टाइम भी ठंड महसूस हो रही थी और बिल्कुल टाइम बहुत कम रह गया है, ठीक है। और जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। आज खुशी का दिन है, ठीक है। खुश खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अल्लाह सबको ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए। जिनके वालदैन चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश मगफिरत फरमाए और जिनके हयात हैं अल्लाह ताला उनको कदर करने की तौफीक अता फरमाए। चलते हैं, फिर मिलते हैं ईद की नमाज के टाइम। A few moments later. माशाल्लाह कारी साहब तकरीर तरीका बता रहे हैं नमाज ईद उल फितर का। क्या बात है, सुभान। नमाज पानी देख रहे हो, पानी बहुत ज़्यादा हो गया ना। हाँ, बारिश का पानी है। पढ़ ली अब तो माशाल्लाह ईद मुबारक कहने का मौका आ गया जनाब। माशाल्लाह जी, यार भाई ईद मुबारक हो जनाब। माशाल्लाह ये तसलसल जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक का लोग खुशी से एक दूसरे को ईद मिल रहे हैं माशाल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और मेरा दोस्त भी आ गया मुझे ईद मिलने के लिए। A few moments later. नमाज भी पढ़ ली, अब चलें घर को। घर चल के सब ईद मुबारक भी गया। ईद पढ़ कर आ गए जनाब, आप अपने घर में अपने हमारे चाचा हैं उनको ईद मुबारक कहने के लिए आए हैं। और एक चाचा मेरे फौत हो गए हैं, जब उनका नाम आता है तो दिल वैसे ही सुरगा हो जाता है। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश मखसूस फरमाए और अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों ईदें हम सबको नसीब फरमाए। जितने भी हमारे मरहूमैन हैं हमारे ख़ानदान में से, कौम कबीला में से फौत हो गए, अल्लाह उनकी बख्शिश मखसूस फरमाए। माँ के साथ ईद मुबारक मिलते हुए मैं अपने मुर्शिद करीम से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ ईद मुबारक कहने के लिए और दुआएं देने के लिए। हाँ, चलते हैं हम। सुबह से मौसम बहुत अच्छा था और अब हम अपने शाह साहब से मिलकर फिर एक दो जगह दुआ करनी थी, वहाँ दुआ की। अब हम पीर सुहेल अहमद नूरी साहब की तरफ जा रहा हूँ मुलाकात करने के लिए और ईद मुबारक कहने के लिए पीर साहब को। अब आहिस्ता आहिस्ता धूप आई जा रही है, गर्मी भी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब के आस्थाने पे मैं आ चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, पीर साहब के आस्थाने पे माशाल्लाह सजा हुआ है। पीर साहब से भी मुलाकात हो गई है। पीर साहब ईद मुबारक हो। माशाल्लाह पीर साहब के मौके हैं, अल्लाह ताला पीर साहब का साया हमारे सरों पे तादेर कायम दायम फरमाए, इनको सेहत आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इनकी दुआओं की बदौलत अल्लाह पाक ने इस तरह से नवाजा हुआ है। पीर साहब से कुछ देर गपशप होगी इंशाल्लाह। मुँह भी मीठा नहीं किया था, अब पीर साहब के पास ही आकर हमें मुँह मीठा कर रहे हैं जनाब। ज़रा मुँह मीठा कर लें, ईद पर मुँह मीठा करना चाहिए। A few moments later. ईद हो चाहे कोई गमी हो चाहे खुशी हो, हम हुज़ूर का जिक्र करते हैं। और अभी भी नाज शरीफ के चंद अशआर में आपको सुनाऊंगा। कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह नहीं है, कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह नहीं है, कोई दुनिया में हम
ला हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल ला। तड़पता है मेरा दिलो तरसती है बहुत आँखें बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह। A few moments later, सबके घर भी हाजिरी होगी और अब हम चलेंगे अली भाई के घर। उनकी वालदा फोत हुई थी क्योंकि वहाँ पर जाकर फातिहा भी करनी थी और अब हम चले गए इंशाल्लाह। आज चले दोस्तों, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत प्यारा गुजरा माशाल्लाह। सुबह मौसम बहुत अच्छा था और दिन को काफ़ी गर्मी हो गई थी, काफ़ी लोगों से ईद मिले, अपने घर वालों फैमिली के साथ ईद को एंजॉय किया। मोहम्मद हुसैन भी बहुत घूमा है, अभी इसने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं। यकीनन आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।